हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की छोटे से वीडियो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेल मैंने ओपन किया है और यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा के लिए अगर आपको चार्ट बनाना है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होता है और यहाँ से जो भी चार्ट आपको चाहिए वो चार्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। वो चार्ट आपके बगल में यहाँ पर देख सकते हैं, ये आ गया है, देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से बन जाता है चार्ट। अब इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक ही चार्ट है, अगर आप इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां से जाकर के इसको थोड़ा अलग लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से चार्ट बन जाता है, लेकिन क्या इसका डुप्लीकेट हम बना सकते हैं? डुप्लीकेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए। ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल वे हो गया। सीधा डुप्लीकेट कैसे बनाया जाए? सिर्फ सेलेक्ट रखिए। आपको क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट रखना है और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल डी। क्या प्रेस करना है? CTRL के साथ डी प्रेस करना है। ये लीजिए डुप्लीकेट बन गया इसका। ये देख सकते हैं, ये दो चार्ट हो गए, अब एक और ये दो, ठीक है, देख सकते हैं। अगर आप फिर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो इसका एक और डुप्लीकेट बन जाएगा। ये लीजिए, ये तीन चार्ट बन गए। तो जब भी आपको डुप्लीकेट बनाना हो तो कंट्रोल डी प्रेस करके बना सकते हैं। ओके, सो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।